हमारे फर्म लखनऊ से पूरे भारत में इसकी सप्लाई चल रही है। पूरा देखिएगा, इसमें हम क्लियर करेंगे कि सुपर नेपियर हाइब्रिड चारा में कौन सी खाद डालें और ये सभी प्रकार की मिट्टी में, सभी प्रकार के पानी में, सभी प्रकार के मानसून वातावरण में सर्वाइवल है, हो जाए। अगर गोबर की खाद हमारे पास है तो हम उसको उसमें डालो, दीमक लगने का डर रहता है क्योंकि ये भी डंडी रहती है। स्टिक पात में आप 2 kg यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं लगाते समय। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बर्मी कंपोस्ट है, कुछ भी है तो आप उसका। नमस्कार किसान भाइयों, हाईटेक किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो किसान भाई अभी हाईटेक किसान यूट्यूब से पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हाईटेक किसान ही किसानों का एक सच्चा साथी है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको सुपर नेपियर 4G बुलेट हाइब्रिड हरा चारा की ये पौधे दिखा रहे हैं। अक्सर किसान भाइयों का एक सवाल रहता है, जैसा कि हम इसके बीज की सप्लाई पूरे भारत में भेजने का काम निरंतर करते हैं, हमारे फर्म लखनऊ से पूरे भारत में इसकी सप्लाई चल रही है। किसान भाइयों की जो सबसे ज़्यादा एक जानकारी की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर इसमें खाद कौन सी डालें, कौन सी खाद का प्रयोग करें, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम क्लियर करेंगे कि सुपर नेपियर हाइब्रिड चारा में कौन सी खाद डालें। किसान भाइयों, सबसे पहली बात होती है कि यह एक बहुवर्षीय हरा चारा है जिसको आप एक बार लगाकर लगातार 5 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं और यह सभी प्रकार की मिट्टी में, सभी प्रकार के पानी में, सभी प्रकार के मानसून वातावरण में सर्वाइवल है, हो जाता है। अब आती है खाद डालने की बात। तो जैसा कि हम लोग जब इसको लगाते हैं, जब इसकी स्टिक हम लोग गन्ने की तरह लगाते हैं अपने खेत में, उसकी बहुत सारी वीडियोज़ हमने अपने चैनल पे बना रखी है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक हम आपको दे देंगे। तो इसको लगाते समय जब हम खेत की तैयारी करते हैं, उस समय अगर हम लोगों के पास गोबर की खाद हो, अगर गोबर की खाद हमारे पास है तो हम उसको उसमें डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि गोबर सड़ा हुआ होना चाहिए, खाद नुमा, कच्चा गोबर ना हो, नहीं तो दीमक लगने का डर रहता है क्योंकि ये भी डंडी रहती है, स्टिक रहती है, तो उसमें दीमक बहुत जल्दी से चिपकता है। रही बात अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप एक बिस्वा या एक कट्ठा, एक गुंठा, अगर आप लोग समझ रहे हो तो एक बिस्वा के अनुपात में आप 2 kg यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं लगाते समय। जब आप लगाते हैं उस समय 2 kg यूरिया डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बर्मी कंपोस्ट है, कुछ भी है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी ये कटिंग तैयार होती है, पहली कटिंग जब 40 से 45 दिन में कटिंग आपकी आ जाती है, पौधा 8 से 10 फीट का हो जाता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ये हमारे सारे पौधे जो हैं लगभग 60 दिन के हो गए हैं और सारे पौधों की हाइट लगभग 15 फीट प्लस हो गई है। किसान भाइयों, जब आप पहली कटिंग लेंगे तो उस समय आप यूरिया का छिड़काव 1 किलो पर बिस्वा के हिसाब से कर सकते हैं और निरंतर आपको यही जारी रखना है। हर कटिंग पे अगर आप इसमें यूरिया का छिड़काव करते रहेंगे तो यूरिया का जो काम होता है कि आपके पौधों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाना और उसको हरा भरा रखना। ये हरा चीज़ है तो इसमें यूरिया की ज़रूरत है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर DAP का प्रयोग करें कि ना करें, तो हम DAP का प्रयोग उनको शुरू में मना करते हैं लगाते समय, क्योंकि उस समय DAP जब आपकी मिट्टी में जाती है तो DAP में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि स्टिक सर सूख गई है ज़मीन में लगाने के बाद, उसका फुटाव नहीं हो रहा है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर DAP की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आपकी स्टिक नीचे से सड़ जाएगी गर्मी की वजह से और वो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए आप लोग शुरू में DAP के छिड़काव से बचिए। आपकी जब 1 कटिंग 2 कटिंग हो जाएगी तब आप उसमें DAP डाल सकते हैं मिट्टी की मजबूती के लिए। बाकी आप हर कटिंग पे अगर यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं तो आपका ग्रोथ, आपका फुटाव, आपकी जो हरियाली है वो बेहद अच्छी रहेगी। किसान भाइयों, एक बार फिर से दोहराते हैं कि ये सुपर नेपियर 4G बुलेट हरा चारा जिसकी बीज की सप्लाई हाईटेक किसान एग्रो फार्म पूरे भारत में भेजने का काम कर रहा है, ये एक बहुवर्षीय हरा चारा है। एक बार लगाकर आप इसका लगातार 5 साल तक उत्पादन ले सकते हैं। हर 40 से 45 दिन पर इसकी कटिंग आती रहती है, आप काटते रहिए, खिलाते रहिए, कभी खत्म नहीं होता है। हाई प्रोटीन युक्त चारा, एकदम मीठा मुलायम। अगर आप लोग बीज लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करके हमसे इसका ऑर्डर बुक करा सकते हैं, या आप हमारे ऑनलाइन स्टोर www.hightechkisan.com लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे ऑनलाइन स्टोर पर चले जाएँगे।
किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और भी किसान भाइयों के साथ। बहुत जल्द मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।